हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, जिसे कोई टाल नहीं सकता है। जो मृत्यु लोक में आया है, उसे एक दिन अपने शरीर को छोड़कर जाना ही है। शरीर में मौजूद ऊर्जा, जिसे आत्मा कहते हैं, वह समाप्त नहीं होती, बस रूपांतरित होती रहती है। यह ऊर्जा जब शरीर से निकलती है तो यह कुहासे के समान होती है, जिसकी छवि उसी प्रकार होती है जिस शरीर से यह निकलती है। मृत्यु के कुछ समय तक आत्मा को अजब गजब अनुभवों से गुजरना होता है, जो आत्मा के लिए भी दुखद और कष्टकारी होती है। आइए हम जानते हैं कि वो सात बातें कौन सी हैं। अचेत अवस्था। आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक अचेत अवस्था में रहती है। आत्मा को इस प्रकार का अनुभव होता है जैसे कठिन परिश्रम से थका हुआ मनुष्य गहरी निद्रा में होता है, लेकिन कुछ पल में यह अचेत से सचेत हो जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। समान व्यवहार। जब व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकलती है तो उसे कुछ समय तक पता ही नहीं होता है कि वह शरीर से अलग है। वह उसी प्रकार व्यवहार करती है जैसे शरीर में रहते हुए उसका व्यवहार था। बेचैनी और छटपटाहट। शरीर से निकलकर खड़ी आत्मा अपने सगे संबंधियों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई सुन नहीं पाता है। इससे आत्मा को बेचैनी और छटपटाहट होने लगती है। आत्मा परेशान होकर सभी लोगों से कुछ कहना चाहती है, पर उसकी आवाज़ बस उस तक ही गूंज कर रह जाती है, क्योंकि वह भौतिक नहीं अभौतिक ध्वनि होती है और मनुष्य केवल भौतिक चीज़ों को ही महसूस कर सकता है। नहीं होता है संचार। वर्षों तक शरीर में रहने से जो सांसारिक माया का आवरण आत्मा पर पड़ा होता है, उससे मोहवश आत्मा दुखी होकर कभी अपने मृत शरीर को तो कभी अपने संबंधियों को देखकर उनसे बात करना चाहती है, लेकिन उनका प्रयास विफल होता है। शरीर में प्रवेश का प्रयास। आत्मा कोशिश करती है कि वह फिर से शरीर में प्रवेश कर जाए, लेकिन यम के दूत उसे शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा यह स्वीकार करने लगती है कि अब जाने का वक्त हो गया है। मोह का बंधन कमज़ोर होने लगता है और वह मृत्यु लोक विदा होने के लिए तैयार हो जाती है। आत्मा होती है दुखी। शरीर के मृत हो जाने पर आत्मा अपने परिजनों को रोते बिखरते देखकर दुखी होती है और खुद भी दुख से व्याकुल होकर रोती है, लेकिन उसके वश में कुछ नहीं होता। वह लाचार होकर सब कुछ देखने और अपने जीवन काल में किए कर्मों को याद करके दुखी होती है। यम के दूत आत्मा से कहते हैं कि चलो, अब यहाँ से चलने का समय आ गया है, और कर्मों के अनुसार उसे लेकर यम मार्ग की ओर चल पड़ते हैं। कर्म से आधारित होता है नया जन्म। कुछ ही समय में आत्मा मृत्यु लोक की सीमा को पार करके एक ऐसे मार्ग में पहुंच जाती है जहां ना सूर्य की रोशनी होती है ना चांद की चांदनी। उस लोक में हर जगह अंधेरा होता है। यहां आत्मा अपने कर्मों और इच्छाओं के अनुसार कुछ समय तक विश्राम करती है, और कुछ आत्माएं जल्दी शरीर धारण कर लेती हैं तो कुछ लंबे समय तक विश्राम के बाद अपनी इच्छा के अनुसार नया शरीर धारण करती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।